नवभारत का नवनिर्माण मंच सजा हुआ है, जिस पर बात हो रही है उत्तर प्रदेश की सियासत की, उत्तर प्रदेश के सामाजिक स्तर तमाम मुद्दों की। और जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात हो और सबसे प्रमुख चेहरा, अगर उनके बारे में हम चर्चा ना करें तो ये लगता है हर चर्चा हर बात अधूरी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समय मेरे साथ में मौजूद हैं। अखिलेश जी बहुत स्वागत है आपका। अरे आते से एकदम शुरुआत से एकदम टोपी थी, टोपी क्या कहती है इस बार? नहीं नहीं, ये रंग है लाल क्रांति का, और समाजवादी लोग जब भी शुरुआत हुई होगी समाजवादी पार्टी की, तब से लाल टोपी का पहनना और सभी आंदोलन कार्यक्रमों में लाल टोपी के साथ जाना, ये हमारा ड्रेस कोड मान लीजिए। सिर्फ ड्रेस कोड है या फिर वो क्रांति की जो आपने बात कही उसका भी एक संदेश है? कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी का भी रिफ्लेक्शन है कि अगर मैं लाल टोपी पहनता हूं तो वो लोगों को वो दिन याद आते हैं कि किस समय नेताजी ने पहनी लाल टोपी, किन संघर्षों में लाल टोपी पर हम लोगों ने कार्यक्रम किए। तो तमाम चीजें समाजवादी पार्टी का आंदोलन लोगों को याद आ जाता है एक बार को। अखिलेश जी, आंदोलन की बात हो रही है तो मैं, चूंकि अभी आपको आगे मंच पर कई तरह के ऐसे सवालों के जवाब या फिर आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं इसको इस तरह से पूछना चाह रही हूं कि अब आंदोलन की अगर बात है तो यूपी के इलेक्शन में आप किस तरह से इस आंदोलन को या इस इलेक्शन को अलग रंग देने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ हम नया देखेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश में सफाया होना तय है। जो संकल्प पत्र, जो वादे जनता को किए थे, जो सपने जनता को दिखाए गए थे, आज 4.5 साल बाद कम से कम जनता जानना चाहती है कि वो सपने पूरे क्यों नहीं हुए हैं। तो बड़े सवाल हैं और सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जनता ने मन बनाया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। बिल्कुल, तो इस बार क्या डिंपल जी भी हमें नजर आएंगी भाभी जी? क्योंकि डिंपल खुद लोकसभा की सांसद नहीं, इस बार नहीं है लोकसभा में, वो जरूर पार्टी का प्रचार करेंगी। ठीक है, अब मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि अब नवनिर्माण मंच का वक्त हो चुका है। अब से कुछ देर के बाद में